वेरी गुड इवनिंग क्लास फाइव होली चाइल्ड स्कूल ना दिस इज एक्सरसाइज टेन ऑफ यूर मैथ्स बुक वर्ड प्रॉब्लम्स ना फर्स्ट यू कैन सी यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पहले आपको क्वेश्चन पढ़कर मतलब समझना है ये पहले ही बता चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम में सेकेंड स्टेप का प्लानिंग करना क्या प्लान करना क्या करना क्या है और थर्ड से आपको आंसर निकालना है फोर्थ से आपको चेक कर लेना है कि जो हमारा आंसर है वो ठीक है कि नहीं ठीक है पहला क्वेश्चन देखते हैं फातिमा स्टो फातिमा स्टॉक 960 सिक्स जीरो नाइन बॉक्सेस ऑफ सैंडविचेस फॉर अ फेयर तो फातिमा ने मेला था एक फेयर मतलब मेला होता है उसमें बेचने के लिए 9600 सैंडविच के डब्बे स्टॉक किए जमा किए इफ ईच बॉक्स हैड 125 सैंडविचेस प्रत्येक बक्से में 125 पीस करके सैंडविच थे हाउ मेनी सैंडविचेस डिड शी हैव इन स्टॉक तो उसके पास टोटल कितने सैंडविच थे ठीक है तो अगर हम पूछेंगे भाई आपसे छोटा सवाल एक बॉक्स में भाई पांच सैंडविच हैं, तो दो बॉक्स में कितने होंगे दस है कि नहीं कैसे आया दस दस दो तरीके से निकाल सकते हैं और पांच दस दोनों को जोड़ के दो बॉक्स है तो पांच और पांच दस और एक और हम निकाल सकते हैं जो हायर लेवल है जो आपको करना है मल्टीप्लाई फाइव इंटू टू टेन क्योंकि हजारों बॉक्स होंगे तो आप हजार बार पांच को ऐड करोगे कि नहीं करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे अगर बोले भाई सौ बॉक्स में कितना होगा तो सौ बार पांच को इंटू प्लस करोगे क्या नहीं करोगे इंटू करोगे फाइव इंटू हंड्रेड फाइव हंड्रेड एक बॉक्स में अगर पांच सैंडविच है तो सौ बॉक्स में फाइव इंटू हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो वही चीज हम यहां करेंगे ठीक है ना तो आप सीधा स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या कर लिख सकते हैं भाई आप सीधा आप लिख सकते हो इसमें नंबर ऑफ सैंडविचेस सैंडविचेस शी हैव इन स्टॉक शी हैव इन स्टॉक इक्व टू कितने बक्से नौ हजार छ सौ नाइन सिक्स जीरो जीरो और एक बक्से में कितना एक सौ पच्चीस पीस अब ये मल्टीप्लीकेशन नीचे आपको शो करना है वो मैं दिखा नहीं रहा आपको मल्टीप्लीकेशन आपको करना है जैसे करते हो आप फिर लास्ट में स्टेटमेंट आएगा, आएगा आपका हैं इसलिए शी हैज़ शी हैज़ जो आंसर आएगा आपका इतना सैंडविचेस सैंडविचेस इन स्टॉक तो सो मेन काम खाली मल्टीप्लीकेशन का है मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली करोगे आप जैसे करते हैं हम लोग नौ हजार छ सौ नाइन सिक्स जीरो जीरो टू वन ट्वेंटी जैसे हम लोग करते हैं ठीक है ये इसके नीचे शो करना पूरा जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है क्लियर एक और देखते हम लोग तीसरा देखते हैं मिस्टर in तो शर्मा जी गाड़ी खरीदते हैं और उसका किस्त इंस्टॉलमेंट को हिंदी बोलते किस्त महीने हर महीने महीने यानी कितने महीने देते, देते हैं नाइन्टी महीने नाइन्टी 96 आपकी किस्तें या इंस्टॉलमेंट जिसको बोला जाता है देते हैं ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज इतना हर एक किस्त जो है इंस्टॉलमेंट इतने रुपए का है ना इफ ही हैज पेड 20 इंस्टॉलमेंट्स 20 इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं पहले दे रखे हैं 96 में से 20 इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं सो वाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही स्टिल हैज टू पे तो उसको कितना पैसा अभी भी देना है इसको कई तरीके से कर सकते हैं देखो टोटल कितना पैसा देना था उसको 96 सिक्स इंस्टॉलमेंट यानी 96 सिक्स इंस्टॉलमेंट में कितना देगा 96 सिक्स इंटू करने से टोटल कितना किस्त है वो देना था उसको लेकिन 96 में से 20 दे चुका है ठीक है ना तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही स्टिल हैज टू पे कितना पैसा बाकी उसको देना हम इसमें करेंगे अमाउंट ही हैज टू स्टिल पे देखो इसको हम बॉड मास रूल लगाएंगे टोटल कितने किस्ते थी 96 सिक्स उस उसमें से कितने दे दिए मतलब बाद चले आएंगे हटा देंगे हम बीस किस्ते दे दिए हैं बीस माइनस कर दिया और हर एक किस्त कितने का है कितना दिया हुआ है फाइव थ्री एट फोर अब इसमें आपका बॉड मास रूल लग जाएगा भाई है कि नहीं बॉड मास रूल लग जाएगा नाइन्टी सिक्स माइनस ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे सेवेंटी सिक्स इंटू फाइव थ्री एट फोर क्लियर अब मल्टीप्लाई नीचे शो करोगे लास्ट में एक बार स्टेटमेंट लिख दोगे आप हेंस ही हैज टू पे रुपीज जितना आएगा आपका इतना क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही स्टिल हैज टू पे तो ही इसमें होगा ही स्टिल हैज टू पे रुपीज जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन बहुत ध्यान से करना आपको मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत ध्यान से करना फाइव थ्री एट फोर इंटू सेवेंटी सिक्स मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेना फिर लास्ट पर लिखना आपके आंसर ठीक है ना लास्ट नंबर फाइव बड़ा वाला देख लेते हैं एक बार है ना पांच में से दो तो बता दिए तीसरा था दो रहेंगे वो अपने आप करोगे सारी करोगे आप फाइव देखते हैं अलीना बेक्ड माफिन फॉर सेल तो अलीना ने बेक मतलब पकाया बनाया अवन में मफिन्स केक होते छोटे छोटे गोल गोल तो बेचने के लिए उसने केक बनाया मफिन्स बनाए सी थ्री पैक्ड द रेस्ट इन टू ऑफ फोर्टीन मफिन्स ईच तो जो उसने बनाए थे उसमें से सिक्स मफिन जल गए थे बॉन्ट यानी जल गए थे तो उनको फेंक दिए अब बाकी जो बच गए थे उनको चौदह मफिंस इच मतलब एक एक करके मफिन्के ठीक एक 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 है हर एक बॉक्स आफ्टर सेलिंग ऑल द बॉक्सेज ऑफ मफिन्स शी कलेक्टेड रुपीज इतना ऑल टूगेदर तो सारा जो है मफिन्स बेचने के बाद उसको टोटल कितना पैसा मिला नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टेन तो आपसे पूछा गया हाउ मैनी मफिन्स अली अलीना बेक कितने मफिन्स उसने बेक किए ठीक है क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं बहुत धीरे से बोलूंगा आप इस वीडियो को कम से कम जितनी बार ज्यादा हो सके आप देखना समझना और समझना ही है आपको <laughs> जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप देखो बड़े प्रेम से देखो अच्छे से देखो आप ठीक है मैं हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूं आपको नंबर फाइव अलीना ने कुछ मफिन बनाए बेचने के लिए तो उसने सेवेंटी सिक्स मफिन फेंक दिए क्योंकि वो जल गए थे देवर बॉन्ड एंड पैक द रेस्ट और फेंकने के बाद जो बाकी बच गए उनको चौदह बक्सों में भरे और एक एक बक्से में चौदह मफिन भरे एक एक बक्से में चौदह मफिन भरे ईच लिखा हुआ यानी एक बक्से में चौदह करके ईच बॉक्स वॉज सोल्ड एट रुपीज नाइन्टी फाइव एक एक जो मफिन का बॉक्स है जिसमें चौदह करके मफिन भरे हुए हैं एक बॉक्स नाइन्टी फाइव रुपीज का बेचा गया है आफ्टर सेलिंग ऑल द बॉक्स सब बॉक्स बेचने के बाद उसको इतना रुपए मिला है सब मिला के तो हाउ मैनी मफिन डिड अलि बेक तो उसने शुरू में स्टार्टिंग में टोटल कितने मफिन बेक किए थे जो फेंके हैं उनको मिला के है ना बनाया तब तो फेंके तो सब मिला के उसने स्टार्टिंग में कितने बेक किए तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले हम करेंगे टोटल मनी कलेक्टेड कितना ये दिया हुआ आपको अब एक बॉक्स का प्राइस कितना ये भी दिया हुआ नाइनटी फाइव क्लियर है तो हम इससे हम निकालेंगे कितने बॉक्स बेचे कितने बॉक्स बेचे कैसे निकलेगा टोटल मनी डिवाइड बाय एक बॉक्स का दाम कितने बॉक्स बेचे कैसे निकालेंगे टोटल जितना मनी करेट हुआ है। एक बॉक्स कीमत से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद देखो डिवाइड है तो है, तो करते हैं डिवाइड करके हमारा आ रहा है क्वेश्चन एट बॉक्स बेचे तो सबसे पहला हमारा आ गया कि कितने बॉक्स उसने बेचे टोटल नाइनटी ठीक है अब देखो 98 बॉक्स में कितने कितने मफिन थे बॉक्स में कितने मफिन थे हमको निकालने हैं तो हमको मालूम so है उसने एक-एक बॉक्स में चौदह मफिन पैक किए गए हैं इंटू मैंने दिखाया हुआ है कितना आ रहा थ्री हंड्रेड टू तो टोटल इतने पैक हुए थे अब हमको निकालना टोटल नंबर ऑफ मफिन मेड कितने बनाए गए थे वो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मॉफिन्स पैक्ट जितने पैक्ट किए गए प्लस नंबर ऑफ मॉफिन्स थ्रोन अवे प्लस जितने फेंक दिए दोनों को जोड़ने के बाद जितने आएगा उतने उसने बनाए थे तो वन थ्री सेवन टू आपका ये पैक किए हुए थे प्लस सेवनटी सिक्स फेंके हुए दोनों को जोड़ के वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी एट हेन्स अलीग्त वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी एट मॉफिन्स इनऑल पांच में से तीन आपको बता दिए हैं डिटेल में आप बार बार देखो वीडियो अच्छे से देखो आप बढ़िया से सुनो तो तीन तो पूरे बता दिए हैं आपको दो आपको अपने आप से करने हैं तो टोटल पांचों करके आप पांचों करके ऐसा नहीं कि एक या दो पांचों करने के बाद ही आप मुझे फोटो भेजोगे अच्छे से थैंक यू वेरी मच